एमएनएस न्यूज पर देखते आज की कुछ खास खबरें। लिफ्ट व दरवाजे के बीच फंसी 9 वर्षीय बच्ची किसी और के बटन दबाने पर कुचलने से मौत। हैदराबाद में शुक्रवार को लिफ्ट व दरवाजे के बीच फंसकर कुचलने से 9 वर्षीय लस्या की मौत हो गई। दरअसल लिफ्ट में चढ़ते वक्त गलती से लस्या का पैर लिफ्ट व दरवाजे के बीच फंस गया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले कि लस्या पैर निकालती तीसरे फ्लोर पर किसी ने बटन दबा दिया और उसके शरीर का कुछ हिस्सा कुचल गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लस्या की मौत हो चुकी थी। युवक ने किया अपने अपहरण का नाटक, प्रेमिका के प्यार का लेना चाहता था इम्तिहान। गुजरात के राजकोट में 23 वर्षीय युवक द्वारा अपने अपहरण का नाटक कर अपनी लिव इन पार्टनर से 3 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने लिव इन पार्टनर के प्यार का टेस्ट लेने के लिए ऐसा किया था। हॉलीवुड एक्टर के बेटे ने चाकू मारकर की मां की हत्या, पुलिस की गोली से उसकी भी मौत। हॉलीवुड एक्टर रॉय एली के बेटे कैमरन ने कैलिफोर्निया स्थित घर में कथित तौर पर अपनी माँ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। सूचना पाकर पुलिस उनके घर पहुंची और कैमरन से खतरा लगने पर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रॉन उस वक्त घर पर थे लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है। यूपी में 15 साल के लड़के ने 21 साल की युवती को मारा चाकू, 8वीं मंजिल से कूदा। नोएडा उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 15 वर्षीय लड़के ने 21 वर्षीय युवती को चाकू मारने के बाद 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वहां लड़के को मृत घोषित कर दिया गया जबकि युवती आईसीयू में है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।